नई रेसिपीज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाय एवरीवन, मैं अनीता, वेलकम टू माय चैनल तड़का बिटवेंस। आज मैं आपको हाक्का नूडल्स बनाना बताऊंगी। हाक्का नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी चढ़ा लेंगे गैस पर। मैंने 1.5 लीटर पानी चढ़ा लिया था और उसमें मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दी और 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। अब पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम हाक्का नूडल्स को 2 टुकड़ों में करके डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे चला लेंगे। ऑयल इसलिए डालते हैं कि जब नूडल्स बॉयल हो जाए तो उसमें चिपके ना। बीच बीच में इसे चेक कर लेंगे। इसे 80% ही पकाना है। अब ये हो चला है, इसका सारा पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया था और ठंडे पानी से इसे अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसका जो स्टार्च है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। अब इसमें पड़ने वाले वेजिस देख लेते हैं और कुछ सॉसेस पड़ेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले पैन चढ़ाएंगे और 3 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। वेजिस डालते टाइम हमारे गैस का फ्लेम तेज होना चाहिए। सबसे पहले मैंने प्याज डाल दिया। अब इसमें गाजर और मैंने थोड़ा बीन्स भी डाला है। जो भी वेजिस आपके पास हो वो आप डाल सकते हो। इन सब्जियों को 1 से 1.5 मिनट तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें पत्ता गोभी ऐड करेंगे। पत्ता गोभी के बाद हम थोड़ा सा 30 सेकंड इसको भूनने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से इन्हें फिर मिला लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा इनको क्रंची ही रखना है। अब इसमें सोया सॉस डाल दिया मैंने, रेड चिली सॉस डाल दिया, ग्रीन चिली सॉस डाल दिया मैंने, टोमेटो केचप डाल देंगे, थोड़ा विनेगर डाल देंगे और ब्लैक पेपर को स्प्रिंकल कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें हल्का सा नमक मिला देंगे, 1/2 टीस्पून, और अच्छी तरह से इन्हें मिला लेंगे। जब सब्जियों को मिला लें अच्छी तरह से तो इसमें बॉयल्ड नूडल्स को डाल देंगे और अच्छी तरह से इन्हें टॉस कर देंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट तक तेज फ्लेम पर ही टॉस करके ही पकाएंगे। लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना। फ्रेंड्स, हाक्का नूडल्स बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे घर में झटपट बना सकते हैं। अब हमारा नूडल्स बनके तैयार है, हम इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, लग रहा है ना टेस्टी? जब आपको मन करे आप इसे बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं और उन्हें जो भी वेजेस पसंद हो वो आप उसमें डाल सकते हो। इसमें स्प्रिंग अनियन भी आप डाल सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।